दोस्तों, पहले किसी भी काम के लिए दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन आज के समय में लगभग हर काम ऑनलाइन हो चुके हैं। चाहे वो पैन कार्ड बनाना हो, या फिर आधार से संबंधित कोई काम करवाना हो, या फिर कोई भी योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिल करना हो, सरकार की हर विभाग ने अपनी एक एप्लीकेशन लॉन्च कर दी है। इन्हीं एप्लीकेशन में से इस वीडियो में ऐसे 5 एप्लीकेशन के बारे में हम जानने वाले हैं जो काफी यूजफुल है, जिसके जरिए आप कहीं भी कभी भी इनके सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यही जानते हैं बिना समय गंवाए। पहला एप्लीकेशन जिसका नाम है ई स्किल इंडिया, इसे हमने 5वें नंबर पर रखा है। इसे नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा डेवलप किया गया है। इसका मेन काम है स्किल को बढ़ावा देना। जब आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस हमारे सामने आएगा। यहाँ पे आपको सबसे ऊपर 2 ऑप्शन मिल जाएंगे, पहला पॉपुलर कोर्सेज का और दूसरा टॉप रेटेड कोर्सेज का। इस पॉपुलर कोर्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो हमारे सामने काफ़ी सारे कोर्सेज आ जाएंगे। यहाँ पे देख लीजिए, सबसे ऊपर है कंप्यूटर की मूल बातें, उसके नीचे लिखा हुआ है सेक्टर और उसके नीचे लिखा हुआ प्राइस, जो कि सामने लिखा हुआ है बिल्कुल फ्री में है। ड्यूरेशन भी आप देख सकते हैं, 6 घंटे 23 मिनट का कोर्स है और लैंग्वेज यहाँ पे हिंदी है, जो कि बिल्कुल आप फ्री में कर सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे कोर्सेज हैं, आरोग्य मित्र, बेसिक इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग, कंप्यूटर हार्डवेयर रिपेयरिंग, ब्यूटीशियन का कोर्स यहाँ पे कर सकते हैं आप। इसके अलावा काफ़ी सारे, ये देखिए, मशरूम की खेती, मोबाइल रिपेयरिंग, काफ़ी सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिसे आप फ्री में कर सकते हैं। शायद ही ऐसा कोई कोर्स है, ये देख लीजिए, एक है बेसिक वेब डेवलपमेंट, इसका प्राइस है 499 रुपीज़। इसे आपको करने के लिए 499 रुपीज़ का पे करना पड़ेगा, तभी आप इस कोर्स को कर पाएंगे। इसके अलावा काफ़ी सारे ऐसे कोर्स हैं, देख लीजिए, बेसिक कटिंग और टेलरिंग का कोर्स, जो कि बिल्कुल फ्री में है। अब यहाँ पे देख लीजिए, नीचे आपको 4 ऑप्शन दिख जाएंगे, पहला एक्सप्लोर का, दूसरा यहाँ पे सर्च का। इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो आप किसी भी कोर्स को सर्च कर सकते हैं, या फिर उसके नीचे काफ़ी कैटेगरीज दिए गए हैं, जैसे एग्रीकल्चर, अपील, ऑटोमोटिव, BFSI, ब्यूटी। आप उस पर क्लिक करके, जैसे हम एग्रीकल्चर पर क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड जो भी कोर्सेस होंगी वो सामने आ जाएंगी। अगला एप्लीकेशन जिसे हमने 4 नंबर पर रखा है वो है इनक्रेडिबल इंडिया। इसे मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने डेवलप किया है। इस एप्लीकेशन को खास करके मॉडर्न ट्रैवलर को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। जब आप ओपन करेंगे तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। सबसे ऊपर आपको यहाँ पे देखिए मस्ट विजिट डेस्टिनेशन, यहाँ पे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, पुणे, कोयम्बटूर, काफ़ी सारे यहाँ पे डेस्टिनेशन सामने आ जाएंगे। जैसे हम किसी एक पर्टिकुलर पे क्लिक कर देंगे, जैसे हम दिल्ली पे क्लिक कर देते हैं, दिल्ली पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे हम नीचे एरो पे क्लिक कर देंगे, हमारे सामने दिल्ली में कौन कौन से प्लेसेस हैं, या फिर पैलेसेस हैं, या फिर हिस्टोरिकल पैलेस, या फिर जो भी कल्चरल पैलेस कौन कौन से हैं सामने आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए, इंडिया गेट, रेड फोर्ट, अक्षरधाम, जामा मस्जिद। आप किसी एक पर्टिकुलर पे क्लिक करके इसके बारे में पूरी डिटेल ले सकते हैं और आपको यहाँ पे डेस्टिनेशन भी पता चल जाएगा कि कैसे जाना है वहाँ पे, या फिर दिल्ली में कैसे आना है। उसी तरीके से यहाँ पे आप डीप डाइव इन दिल्ली देख सकते हैं, उसके नीचे यहाँ पे देख सकते हैं हाउ टू गेट हेयर, यहाँ पे आपको पहुँचना कैसे वो भी देख सकते हैं। थोड़ा सा हम बैक कर देंगे, यहाँ पे देख लीजिए पॉपुलर इन इंडिया, यहाँ पे योगा एंड वेलनेस, बीचेज, जैसे हम बीच पे क्लिक कर देंगे तो काफ़ी सारे हमारे सामने बीच आ जाएंगे। यहाँ पे देख लीजिए, किसी भी एक पर्टिकुलर बीच पे क्लिक करके आप उसके बारे में पूरी डिटेल जान सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे अपकमिंग इवेंट भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे नीचे सेलिब्रेट विथ अस, इस पर हम क्लिक कर देंगे किसी एक पे, जैसे देखो अपना देश पे हम क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे नीचे जो भी अपकमिंग इवेंट होंगे वो आ जाएंगे आपके सामने। देख लीजिए, रथ यात्रा यहाँ पे अपकमिंग इवेंट में है, तो आप इसमें शामिल भी हो सकते हैं आसानी से। उसी तरीके से नीचे यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से होम के बगल में डेस्टिनेशंस है, उसके बाद एक्सपीरियंसेस है। जब एक्सपीरियंसेस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए म्यूजियम्स इन इंडिया, यहाँ पे शॉपिंग है। जैसे हम म्यूजियम इन इंडिया पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने काफ़ी सारे म्यूजियम आ जाएंगे, जो भी हम जहाँ भी घूमना चाहते हैं, ये देख लीजिए जो भी म्यूजियम है, अगर आप म्यूजियम जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसके बारे में नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। अगला एप्लीकेशन है जिसे हमने 3 नंबर पर रखा है वो है एम आधार। फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि आधार कार्ड हमारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स में से एक है। इस एप्लीकेशन के जरिए लगभग आप हर वो काम कर सकते हैं जो आधार कार्ड से संबंधित है। सबसे पहले इस एप्लीकेशन को आप जब ओपन करेंगे तो कुछ इस टाइप का एप्लीकेशन शो होगा। यहाँ पे आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आधार कार्ड फिर से रिप्रिंट कर सकते हैं। अगर आपको खोया है तो यहाँ पर ऑर्डर आधार रिप्रिंट पर क्लिक करके आप फिर से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे पेपरलेस ऑफलाइन EKYC कर सकते हैं, रीड्राइव EID, UID कर सकते हैं, QR कोड जनरेट कर सकते हैं, वर्चुअल ID भी जनरेट कर सकते हैं आसानी से आप। यहाँ पे QR कोड स्कैनर दिया गया है, जहाँ पे आप QR कोड को स्कैन भी कर सकते हैं। आप अपने आधार कार्ड को वेरीफाई कर सकते हैं, या फिर वेरीफाई ईमेल और मोबाइल को भी कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे अपडेट एड्रेस, ऑनलाइन एड्रेस भी अपडेट कर सकते हैं इस एप्लीकेशन के थ्रू। इसके अलावा यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट एड्रेस वैलिडेशन लेटर का ऑप्शन मिल जाता है, जिसके जरिए आप अपना एड्रेस अपडेट कर सकते हैं।
यहाँ पे नीचे चेक रिक्वेस्ट स्टेटस का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आधार का स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे एड्रेस को अपडेट किया है तो उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं, वैलिडेशन लेटर का स्टेटस चेक कर सकते हैं, या फिर अगर आपने आधार को रिप्रिंट करने के लिए सबमिट किया है अपने फॉर्म को तो उसका भी स्टेटस चेक कर सकते हैं। यहाँ पे बुक एंड अपॉइंटमेंट पे क्लिक करके आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिसके जरिए आप या तो नया आधार कार्ड बनाने के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिए या फिर एड्रेस अपडेट करने के लिए इनरोलमेंट सेंटर का अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं आसानी से। यहाँ पे देख लीजिए माई आधार का एक ऑप्शन है, यहाँ पे 4 डिजिट का पासवर्ड डाल के आप अपने आधार से लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे हम जरा बैक करते हैं तो यहाँ पे इनरोलमेंट सेंटर का एक ऑप्शन मिल जाता है आपको। यहाँ पे आप अपना इनरोलमेंट सेंटर, अपने एरिया के जो भी सेंटर हैं, यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं, लोकेशन को ऑन करके देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगला एप्लीकेशन जिसे हमने 2 नंबर पर रखा है वो है उमंग। इसे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा डेवलप किया गया है। अलग अलग डिपार्टमेंट के ऐप्स को यूज करने के बजाय आप इसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि उमंग आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है जहां पे आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और उनके सर्विस का एक ही जगह पे उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस होता है। इस एप्लीकेशन को आप 13 लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं। यहाँ पर टोटल आपको 130 डिपार्टमेंट्स के सर्विस देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से 865 सर्विस का इस्तेमाल आप आसानी से कर सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ऊपर आपको माई डॉक्यूमेंट्स के सामने डिजी लॉकर का एक ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पे आप लॉगिन करके डिजी लॉकर से जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके होंगे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे कैटेगरीज का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पे सर्टिफिकेट, एम्प्लॉयमेंट, फार्मर्स, फाइनेंस, काफ़ी सारे कैटेगरी मिल जाते हैं, उनका भी आप सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें फार्मर से रिलेटेड जो भी सर्विसेज हैं उसी का इस्तेमाल करना है, तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने काफ़ी सारे सर्विस आ जाएंगे। यही नहीं, इसके बैक करेंगे तो हमारे सामने ये देख लीजिए व्हाट्स न्यू, क्या नया है, उसे भी आप देख सकते हैं। जो भी यहाँ पे स्कीम है उसका लाभ उठा सकते हैं, आप देख सकते हैं। सबसे नीचे आपको 4 ऑप्शन मिल जाते हैं। पहला होम के बगल में ऑल सर्विसेज का है, जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो भी सर्विस है उस सारे सर्विस की लिस्ट हमारे सामने आ जाएंगी। ये देख लीजिए काफ़ी सारे सर्विस हैं। आप यहाँ पे सॉर्ट पे क्लिक करके सॉर्ट कर सकते हैं, आप अल्फाबेटिक, मोस्ट पॉपुलर, टॉप रेटेड जो भी सर्विस आप देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं। यही नहीं, आप फिल्टर पे भी क्लिक करके यहाँ पे आप सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी सर्विसेज हैं या फिर डिपार्टमेंट्स हैं देखना चाहते हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट के सर्विस लेना चाहते हैं, इस पर आप क्लिक करके पर्टिकुलरली स्टेट के देखिए। अब जैसे हमने स्टेट पे क्लिक किया तो हमारे सामने स्टेट की लिस्ट आ गई। यहाँ पे बिहार पे हम जैसे क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने बिहार के ही जो भी सर्विस होंगे, जो भी डिपार्टमेंट होंगे हमारे सामने आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, कुल मिला के काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है, जिसकी मदद से आप अधिकांश सर्विसेज और अधिकांश डिपार्टमेंट का यूज सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं आसानी से। फ्रेंड्स, लास्ट और नंबर 1 पे जिस एप्लीकेशन को हमने रखा है वो है माई जीओवी एप्लीकेशन। इसे शायद आप जानते भी होंगे या फिर यूज करते भी होंगे। आप अपने आइडिया, कमेंट या फिर जो भी सजेशन है उसे डायरेक्टली केंद्र सरकार तक आप पहुंचा सकते हैं इस एप्लीकेशन के जरिए। माई जीओवी ऐप एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है जहां पर हर नागरिक डायरेक्टली सरकार के टच में आ जाता है। ये देख लीजिए कुछ ऐसा इंटरफेस होगा जब आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। सबसे ऊपर यहाँ पे आपको 5 ऑप्शन दिख जाएंगे, डू, डिस्कस, पोल सर्वे, ब्लॉग और टॉक। इन 5ों के बारे में मैं थोड़ी सी बता देता हूँ। यहाँ पे जब आप डू पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे टास्क आपके सामने आ जाएंगे जिसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये देख लीजिए सबसे ऊपर टास्क में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसके नीचे में आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, काफ़ी सारे यहाँ पर टास्क आ जाते हैं। थोड़ा सा हम इसको बैक करते हैं तो यहाँ पर डिस्कस का एक ऑप्शन आ जाता है। सबसे पहले यहाँ पे ऊपर आपको मिल जाता है मन की बात। यहाँ पे देख लीजिए 10,204 सबमिशन अभी तक हो चुके हैं। ये मन की बात 27 जून को ये टेलीकास्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे कंट्रीब्यूट नाउ पे क्लिक करके जो भी आपके सजेशन हैं या फिर आइडिया है या फिर कोई कमेंट करना चाहते हैं, ताकि पीएम मोदी आपके मन की बात में आपके कॉमेंट को उठाएँ, आपके कमेंट पर भी कुछ बोलें, तो आप यहाँ पर कंट्रीब्यूट नाउ पर क्लिक करके आप अपने सजेशन को भेज सकते हैं। अगर आपका सजेशन या फिर आइडिया अच्छा लगता है तो पीएम मन की बात में उसे ज़रूर उठाएंगे। यहाँ पे देख लीजिए सबसे नीचे यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाते हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपने आइडिया को शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे पोल और सर्वे में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे सर्वे भी होते हैं जिसमें आप अपना आइडिया शेयर कर सकते हैं। ये देखिए जो कि अभी सारा का सारा क्लोज है। यहाँ पर हम जब बैक आएंगे तो यहाँ पर ब्लॉग का एक ऑप्शन है। यहाँ पर हम ब्लॉग पर क्लिक करके यहाँ पे काफ़ी सारे ब्लॉग हैं जिस पे रीड नाउ पे क्लिक करके आप काफ़ी डिटेल में देख सकते हैं। जो भी सरकार के डिपार्टमेंट होती हैं वो हर समय अपने ब्लॉग में कुछ ना कुछ लिखती रहती हैं जो नया होता है। यहाँ पे आप टॉक पे क्लिक करेंगे तो सेम टू सेम वही आ जाएगा, जहाँ पे आप अपना कुछ सर्वे वर्वे कर सकते हैं या फिर कोई भी सजेशन है दे सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए सिर्फ मन की बात ही आ रहा है, काफ़ी सारे हैं जहाँ पे आप सजेशन को भेज सकते हैं। इसके नीचे यहाँ पे लेटेस्ट कैंपेन है, यहाँ पे जो भी लेटेस्ट कैंपेन होगा वो देख सकते हैं आप इसको।
अब यहाँ पे देखिए न्यू क्या है इस एप्लीकेशन में, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो फोकस में है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये डू ब्लॉग या फिर जो भी है आप जैसे हमने ऊपर देखा था वही सब है नीचे भी। ये देखिए रिसेंटली व्यू हुआ है, जो हमने ब्लॉग अभी देखा है वो यहाँ पे दिखा रहा है। रिसेंटली अपडेट क्या हुआ ये यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे क्विज यू में पार्टिसिपेट, यहाँ पे काफ़ी सारे क्विजेज हमेशा चलते रहते हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट करके अगर आप जीत जाते हैं तो आप हजारों या फिर लाखों तक आराम से कैश प्राइज जीत सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे अभी तीन क्विज चल रहे हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत क्विज जहाँ पे लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार घूमने का ऑप्शन मिल जाएगा, राज्य भी घूम सकते हैं जीतने के बाद। उसके नीचे यहाँ पे लेट्स टेक अ प्लेज, काफ़ी सारे यहाँ पे शपथ है जिसे आप ले सकते हैं, ये देख लीजिए काफ़ी सारे शपथ मिल जाएंगे आपको। ये देखिए एंटी डोरी यहाँ पे शपथ भी है, एंटी डोरी प्लेज है, यहाँ पे काफ़ी सारे देख सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे ऊपर तीन लाइन दिख रही है लेफ्ट साइड में, इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ से अपना डैशबोर्ड है उसे आप मेंटेन कर सकते हैं। ये देख लीजिए काफ़ी सारे परफॉर्मेंस डैशबोर्ड, माय एक्टिविटीज, आपके क्या एक्टिविटीज़ हैं ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पे शेयर रेफरल कोड है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो अपने कोड को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करके पॉइंट भी अर्न कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए हमने 98 यूजर्स को सक्सेसफुली रेफर कर दिया है। इसे शेयर करने के बाद आपको जो भी पॉइंट होते हैं वो अर्न करते हैं। देखिए यहाँ पे 14,170 पॉइंट हमने अर्न किए हुए हैं और हमारे लेवल अभी 4 है। इसके अलावा एक और एप्लीकेशन है जो कि हमारे लिस्ट में नहीं था, वो है आरोग्य सेतु। फ्रेंड्स आप भी आरोग्य सेतु का जरूर यूज करें, खुद को सुरक्षित रखें, समाज को सुरक्षित रखें और पूरे भारत को सुरक्षित रहने में मदद करें। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, ऐसे और यूजफुल वीडियोज़ के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसी भी एप्लीकेशन से संबंधित कोई भी सवाल या फिर सुझाव हो या फिर कन्फ्यूजन हो तो आप उसी टाइम कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।